दुबई में आप लोगों को जैसे कि पता है कि दुबई में गर्मी का आलम बहुत पीक पे होता है, एसी के बगैर रह नहीं सकते, तो बिल ज्यादा आ रहा था हमारे होटल में, नहीं सॉरी हम जो दुबई में हमारा घर है उसमें बिल ज्यादा आ रहा था, तो हम एसी दिन में नहीं चलाते, सिर्फ रात में ही चलाते हैं। और आयत की वही मैलापन इधर है, वही मतलब गंद इसका, मतलब वही मतलब मैले तो दुबई में भी होंगे ना गाइस, समझे इस बात को प्लीज, आप लोग कैसे आप लोग नहीं समझ सकते हैं। और वही इन लोग के यहाँ पर फटने हैं। और एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग है ना, सलाम वालेकुम। नाश्ता कर लिया, नाश्ते में बाकर खाने ली थी। ओ घोड़े आ रहे हैं, घोड़े किधर से आ रहे हैं? और आई कैमल को घोड़े देख लो, और अल्लाह मतलब के इंतहा कर दी जाहिलत की, मतलब के कोई इतना जाहिल कैसे हो सकता है कि कोई ऊंट को घोड़ा बोल सकता है, मतलब कैसे? तो गाइस आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लिया, लाइक लाजमी कर लिया करें यार, आप लोग व्लॉग देख रहे होते हैं, एक लाइक आपके अगर ऐसे जाएंगे तो लेफ्ट पे, आपके लेफ्ट पे लाइक का ऑप्शन है, लाइक करें फटाफट। चालू हो रहे क्या, क्या कह रही है? भाभी को ऊँट का दूध पिला दो, छाले हो रहे, लोग बकरी का दूध पिलाते हैं, ऊँट का पिला रही है तो आपके छाले खत्म नहीं हो जाएंगे, सीरियसली कम भी नहीं आएंगे। और गाइस हमारा रोड बन गया और इतना प्यारा हमारा रोड है, ऐसा लग रहा है हम ना दुबई में रहते हैं, मतलब क्लीन और साफ दुबई में। अब आप देखें गटर का नाला खुला है, लाली है और नीचे कलर है, सॉरी अब आप लोग खुद देखें, ये इतनी प्यारी हरियाली, ठीक है सामने दुबई के हमारे वो बुर्ज खलीफा के हमारे फ्लैट खड़े हैं, ठीक है, चल रहे हैं। और देखें दुबई में आप देखें ऊँट में चले रहे हैं, वो कैसे ऊँट को घुमा रहा है ना, मतलब नहीं वो जुहान आ रहा है बराबर में, छोटा सा राम भाई के साथ चल रहा है, ये जुहान आ रहा है, हमारी क्या बात चली थी, हमारी ये बात चली थी कि आप लोग देखें देखें बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर रोड, हाँ पानी की थोड़ी किल्लत है दुबई में तो हम टैंक डलवाते हैं, और बुर्ज खलीफा हमारे सामने बना हुआ है, और सामने ही हमारे बड़े खूबसूरत से दरख्त बने हुए हैं, और मतलब हवा हवाओं के झोंके बड़े ही प्यारे आते हैं, मतलब खूबसूरत तरीन एरिया हमारा। उस कोने पे जाके बैठ गए थे और गालियां सुनी इसने बाबा से, बाबा कहते उसके पर काट दी तो वहाँ कैसे पहुंच गया वो, वहाँ कोने पे बैठा हुआ था। गर्मी बहुत हो रही है, शदीद गैलरी में खड़े होके गर्मी, दुबई में आप लोगों को जैसे कि पता है कि दुबई में गर्मी का आलम बहुत पीक पे होता है, एसी के बगैर रह नहीं सकते, तो बिल ज्यादा आ रहा था हमारे होटल में, नहीं सॉरी हम जो दुबई में हमारा घर है उसमें बिल ज्यादा आ रहा था, तो हम एसी दिन में नहीं चलाते, सिर्फ रात में ही चलाते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? दुबई इतना भी छोड़ सकता है हमारे पास, तो और गाय के साथ और दुबई के कुत्ते आप लोग को दिखाऊं, ये तो नहीं काले काले कुत्ते, काले काले कुत्ते, अल्लाह भगवान क्या कर रहे हो, पता नहीं क्या तुम जाहिल हो गई हो, आया पीछे करो, और भाई डांट रहे हैं कि जवान को पीछे करो बदतमीज। आपको बताऊं कि मेरा जो कमरे का फर्नीचर है वो दुबई में मैंने वही फर्नीचर शिफ्ट कर लिया, और सारे इसके दुबई में वही चड्डे, मतलब के चड्डे भी खत्म नहीं हो रहे, हम लोग दुबई शिफ्ट हो गए, पता है ना ये बात, पता है नहीं पता, देखा है बाहर दुबई का रोड देखा है तुमने? अल्लाह दुबई के रोड के साथ ही बड़ा नाला खुला हुआ है। बदतमीजी पसंद नहीं है मेरे इलाके को, कुछ बोला ना तो चीर फाड़ कर दूंगी, चीर फाड़, बदतमीजी नहीं पसंद है मुझे, मुझे लगा दुबई जा रही है अपना फर्नीचर वाले होटल में, बिल्कुल ऐसा ही है, तो ऐसा भी हो सकता है। और आयत की वही मैलापन इधर है, वही मतलब गंद इसका, मतलब वही मतलब मैले तो दुबई में भी होंगे ना गाइस, समझे इस बात को प्लीज, आप लोग कैसे आप लोग नहीं समझ सकते हैं, और वही इन लोग के यहाँ पर फटने हैं, और जगह चेंज हुई, इंसान तुम लोग इंसान कब हो दोनों, कब हो इंसान तुम दोनों, इंसान कब हो, हम दोनों भी यार गर्मी बहुत है दुबई को साइड में रख के, गर्मी नहीं माने दोहान, आज भी दुबई में अपनी चट्टी सॉरी पैम्पर में नंगा घूम रहा होता है, मतलब दुबई में आके भी इसको सेंस नहीं है बिल्कुल, कि अगर दुबई आ गया है तो कपड़े थोड़े अच्छे पहन लेना, मेरे बैग से जो मम्मा पैसे चोरी करी वो रिटर्न रख देगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। बाबा ये कितनी गर्मी लग रही है, आप लोग बोलिएगा जरूर कि माँ को चोर बोल रही है, ओके बाय गाइस, दोहान इस बात पे आप एक दफा बहुत याद है, बता दो तुम कैसे पिटी थी इस बात को, हो गया।
आप ही ने एक बंदी को छेड़ दिया था, उसका नाम नहीं लूंगा। देखो सबके नाल बंद है, मेरा बंद है, मेरा बंद है, सब बंद है। बाद आप ही ने उसको मजाक मजाक बोल दिया कि माँ चोर की बाप चोर, और चढ़ गई आप ही के ऊपर। आप ही की माँ चोर, की माँ चोर कबाब चोर। अब वो समझी मेरे बाप और मेरी माँ को, मम्मा की माँ चोर, बाबा की बाप चोर। आप बताए मम्मा कीमा, आपने कीमा चोर है आप, और बाबा कबाब चोर है। बाबा पानी टैंक डल गया, टैंकर भाई पानी बड़ी नेमत है भाई, बड़े ध्यान से करो, बेहतियाती जो गुनाह है वो भी। बाबा आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, उर्दू किधर गई आपकी? मैंने कहा बेहतियाती से इस्तेमाल करो पानी, बेहतियाती से करो, ऐसा करो मोटर पर नहीं, बेहतियाती से नहीं करना भाई, मैं जा रहा हूं मोटर पर। खाना ही जहान, excuse me buddy, you have not to write pamper is going to my room। Safiya तुम्हारी नींद पूरी हो गई? सोने का दिया। Safiya बस कर दो, तुम सोई नहीं हो? सुबह की सोई। Safiya तुम सोई नहीं हो? नहीं इसको नींद आ गया। सो जाती फिर? मुझे नींद आ गई। कमरे में एसी चला के सो जाती, हम बाहर चले जाते हैं। हमारे साथ सफिया भी है। सफिया रानी तुम हमारे साथ आई हो? हाँ जी आपके साथ। आप लोगों को लहसुन छीलने की टेक्निक बताती हूँ। मम्मा जो है ना लहसुन को पानी में भिगो देती है, सही है? नहीं मैं, अच्छा अच्छा ये तो सफिया भिगोती है। सफिया को पता है इस टेक्निक का, और हमारे किलो किलो लहसुन छिलता है। सफिया ने हमें बहुत सी ऐसी टेक्निक बताई है जिससे हमारा घर बहुत ही शांत से चल रहा है, और जन्नत 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 ही औरत है, जन्नत ही औरत, इसने हमारा घर जन्नत बना दिया है। और बेचारा फारिक मेरी गाड़ी साफ करते हुए चमका रहा है गाड़ी को, और मैं जा रही हूँ बोर्ड के लेट हो गया, और गाड़ी कल मैं वॉश करवाने के लिए भेजूंगी। अभी मैं जा रही हूँ बोल पाई गई, तो आप लोग को बताऊँ कि मैं बोर्ड से आ गई थी, बट लिटरली मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ बोर्ड से आके कि ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं, तो लेकिन जब आया तो मेरे आगे खाना लेकर आई है, तो फिर मेरा मूड हो गया, मैं ब्लॉग बनाने के लिए। चाय इतना स्पाइसी है, दाल बस गई आप ही। किसने बनाई? मैंने। झूठ नहीं बोलो। तुम कहाँ थे? गाइस आप लोग देखें सब कैसे सोते हैं मेरे कमरे में। गाइस मम्मा है जो अपने कमरे में। तुम कहाँ पे बैठे हो? मैंने मेरा सितारों को लगवा दिया। क्यों? अब मुझसे पंगे लेगा तो मैं बस बोलूँगी मम्मा मम्मा मम्मा, बाकी मम्मा जाने वाली। ये वो लोग जो नींद से उठ के खाना खाना शुरू हुआ, नींद से उठ के खाना खाते हैं। हम लोग को पता क्या बीमारी है? हम लोग नींद से उठते ना, जब मैं छोटी थी नींद से उठ के ना मुझे एवरीडे चाहिए होता था, मतलब मीठा। हाँ। और उठते के साथ ही मैं फ्रिज में घुसती थी और मुझे कुछ ना कुछ खाना होता था, और ये आदत बाबा की है, और बाबा भी रात में उठ के कुछ ना कुछ खाते हैं मीठा। और सेम सिचुएशन, सो जाओ रात के 4 बजे सोने का टाइम है। खीरा क्यों काट रही है? खाने के लिए तो इस वक्त खीरा रात के 4:30 बजे हद्दी हो गई यार, तुम लोग की तो हद्दी हो गई। इस व्लॉग को एंड करो, इस व्लॉग को एंड करो, करो एंड जल्दी करो, करो। आजकल मैं आजाद हूँ पिंजरे से, आजाद। सो गाइस मेरा बड़ा मुंह आपके सामने आ रहा होगा, लेकिन इस मुंह को आप लोग बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने सोचा मुझे देखे बगैर आप लोग की सांसें ना चल रही, माशाल्लाह से इतना प्यार करते हैं मुझसे, बस क्या करूँ गाइस। सो आई लव यू ऑल। इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेगा, दुआ में याद रखेगा। ये व्लॉग मैं एंड करूँ क्योंकि शो वाले दिन के व्लॉग ही मेरे शॉर्ट आएंगे, और अब आप लोग को शॉर्ट वाले व्लॉग्स बर्दाश्त करने पड़ेंगे, जो 3 दिन होंगे उस दिन शॉर्ट शॉर्ट आया करेंगे।